नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अखिल गुप्ता। भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। हंसिए मत, मुझे पता आपको हंसी बहुत आ रही है, क्योंकि पहले मैच में पाकिस्तान का जो हश्र देखने को मिला वो वाकई में मतलब क्रिकेट के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही शर्मनाक तरीके से टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बांग्लादेश के लिए तारीफ बनती है। जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा अंदाज में एक हारे हुए मैच को ड्रॉ तक लेके गए और फिर उसको जिस तरीके से उन्होंने जीता, 10 विकेट से जीता। खैर, अब सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला, आखिरी मुकाबला शुक्रवार 30 अगस्त से रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेला जाना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेकंड टेस्ट मैच के लिए पिंडी स्टेडियम की विकेट कैसी होने वाली है, मौसम का हाल कैसा रहेगा। भाई हंसी है मत, आप पिछली रिपोर्ट को बार बार सुन के हमें पता है कि पाकिस्तान की पिचेस कैसी होती है, हम सभी को पता है। खैर, दोनों टीमों का एक्टिव रिकॉर्ड क्या है, प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी हुई, इंडियन अपडेट से जुड़ी हुई और साथ ही पैरालंपिक से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे पहले आपको हमारी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच की पिच रिपोर्ट के साथ। ये मुकाबला भी पहले मैच की तरह रावलपिंडी के पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम की पिच की बात करें तो स्टेडियम की पिच सपाट है और स्पिनर्स की तुलना में तेज गेंदबाजों को अधिक मदद करती है, साथ ही बल्लेबाजों को स्टेडियम में शानदार फायदा मिलता है। और रावलपिंडी स्टेडियम में पिछले जो 2 सालों में टेस्ट मैच खेले गए हैं वो हाई स्कोरिंग मैच रहे हैं। अगर पहले मैच की बात करें जहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान ने 2-2 हाथ किए थे, वहाँ पर पाकिस्तान ने पहली पारी में 448 रन बनाए थे, उन्होंने अपनी पारी घोषित की थी, जबकि बांग्लादेश का स्कोर पहली पारी में 565 रन था। आपको बता दें कि रावलपिंडी स्टेडियम में अब तक कुल 14 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। इनमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 3 और टारगेट का पीछा करने वाली टीम ने 7 मुकाबले अपने नाम किए और 4 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला, यानी कि 4 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए। सिंपल सा फंडा है, बेसिक रूल है, टॉस जीतो, गेंदबाजी करो, टारगेट का पीछा करो, आप ये मैच जीत जाओगे। क्योंकि जो पिछला मैच था बांग्लादेश ने 10 विकेट से जीता, 30 रनों का टारगेट था और टीम ने आसानी से टारगेट को हासिल कर लिया। और रिकॉर्ड भी ये कहता है पिंडी स्टेडियम का, 14 में से 7 मुकाबले टारगेट का पीछा करने वाली टीमों ने अपने नाम किया। और पाकिस्तान की तो वैसी वाट लगी हुई है, मतलब बल्लेबाजी उनकी वैसी ही ख़राब है, गेंदबाजी उनके पास हो नहीं रही है, तो बांग्लादेश के पास ये सुनहरा मौका है इतिहास रचने का, सीरीज जीतने का। खैर, अगर मौसम की बात करें तो पहले टेस्ट मैच के पहले दिन बारिश देखने को मिली थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में बारिश को लेकर कुछ खास प्रेडिक्शन नहीं की गई है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश का असर मैच पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इंद्रदेव भी चाहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दे। अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी सकते हैं, 14 टेस्ट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल खेले गए हैं। 12 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते, 1 मुकाबला ड्रॉ रहा और 1 मैच बांग्लादेश ने जीता है, जो कि पिछला ही मैच था। बांग्लादेश ने एक तरफा अंदाज में पाकिस्तान को हरा दिया था और जो एकमात्र ड्रॉ मैच हुआ है वो 2015 में हुआ था। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। सबसे पहले नजर डालेंगे घबराई हुई, सहमी सी पाकिस्तान की संभावित टीम पर। अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, शान मसूद कैप्टन, बाबर आजम, शौस शकील, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, आगा सलमान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद और मोहम्मद अली। हमें लगता है कि पाकिस्तान के लिए दूसरे टेस्ट मैच में खुर्रम की जगह पर अबरार अहमद को खेलने का मौका मिल सकता है। अबरार अहमद पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट स्पिन गेंदबाज हैं। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान से सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि एक तो उन्होंने मैच शुरू होने से 48 घंटे पहले यानी कि 2 दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी और उसमें भी एक स्पिनर का नाम शामिल नहीं था। टीम के पास एकमात्र पार्ट टाइम स्पिनर थे आगा सलमान, लेकिन इस बार शायद अबरार अहमद को खेलने का मौका मिल सकता है। स्पेशलिस्ट स्पिनर है और अपने स्पिन के जाल में बांग्लादेशी बल्लेबाजों को उलझा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के समय में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी जानदार और शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए डिलीवर की है। हालांकि मुझे लगता है कि एक ही चेंज होने वाला है, क्योंकि बल्लेबाजी में उतनी कुछ फेरबदल की आवश्यकता नहीं है। सैम अयूब पहली पारी में उनका बल्ला चला, अब्दुल्ला शफीक दूसरी पारी में उनका बल्ला चला, हालांकि स्टार्ट मिला 37 रनों की पारी के लिए, उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए बैटिंग में सबसे बड़ी चिंता शान मसूद की फॉर्म और बाबर आजम की फॉर्म होने वाली है। कप्तान और पूर्व कप्तान बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। शान मसूद की कप्तानी की तो अगर क्या ही बात करें, 4 मैचों में कप्तानी की 4 के 4 में टीम को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 साल के इतिहास में शान मसूद पहले ऐसे कैप्टन हैं जो अपने शुरुआती 4 मैच हार चुके हैं। अब पता नहीं दूसरे मैच में उनका कप्तानी का खाता खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा। खैर, उनकी बल्लेबाजी भी काफ़ी ख़राब चल रही है। बात अगर बाबर आजम की करें तो पिछली 21 आउटिंग में उनके बल्ले से 1 भी टेस्ट शतक देखने को नहीं मिला। अब इससे ख़राब फॉर्म और क्या ही होगी। खैर, जब भी बाबर बैटिंग करने आते हैं तब हर एक पाकिस्तानी फैन ये कहता होगा
किंग कर लेगा, लेकिन किंग क्या कर लेगा ये शायद किंग को भी, पाकिस्तानी नकली किंग को भी ये नहीं पता है। बाबर आजम की फॉर्म पाकिस्तान के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी तो अच्छी कर लेते हैं, पहले मैच में 222 रन बनाए, लेकिन किस काम के वो 222 रन जो आपकी टीम की जीत में काम ही ना आ सकें। काफ़ी ख़राब जिस तरीके से उनका डिसमिसल देखने को मिला दूसरी पारी में, उसको लेकर आलोचना भी हुई। अपना विकेट फेंक कर चले गए थे, पारी और बड़ी कर सकते थे, अगर थोड़ा और टिक जाते, एक आध घंटा और बैटिंग कर लेते तो पाकिस्तान का मैच ड्रॉ हो सकता था। तो शकील की बात कर ले, पाकिस्तान के लंबे समय से अच्छी बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, पहले मैच में भी 141 रन उनके बल्ले से देखने को मिले, लेकिन अकेले 100 शकील भी क्या ही कर लेंगे। खैर, पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी तो चिंता का विषय है ही, बॉलिंग भी चिंता का विषय होने वाली है। नसीम शाह, शाहीन अफरीदी कोई भी अच्छी लय में नजर नहीं आ रहा है। आगा सलमान ने भी डिसअपॉइंट किया, स्पेशली नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को लेकर तो कई दिग्गज अपने बयानों में ये कह चुके हैं कि इन दोनों को टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए और जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में समय बिताना चाहिए, क्योंकि इनकी लाइन लेंथ पर सही जा रही है ना, रिदम सही है ना, पास ही पकड़ रहा है। अब क्या ही होगा पाकिस्तान टीम का, भगवान ही मालिक है। बात अगर बांग्लादेश की करें जो इस वक्त अपने सातवें आसमान पर हैं, नजमुल हुसैन सेंटो कैप्टन, शदमान इस्लाम, जाकिर हसन, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, शाकिबुल हसन, लिटन दास विकेट कीपर, मेहदी हसन मिराज, शोरफुल इस्लाम, हसन महमूद और नाहिद राणा। बांग्लादेश की टीम चूंकि पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, 10 विकेट से जीत कर आ रही है, ऐसे में वो टीम शायद ही अपनी प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करे। बल्लेबाजी उस टीम की पहली पारी में ज़बरदस्त देखने को मिली, जिस तरीके से लिटन दास ने बल्लेबाजी की मिडिल ऑर्डर में आके और मुशफिकुर रहीम ने 191 रनों की पारी खेली, वो काबिले तारीफ था। लेकिन नजमुल हुसैन शंटो की कैप्टनसी की भी तारीफ बनती है, उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर सेट किया, बॉलिंग में जिस तरीके से फिर बदल करते रहे, फील्डिंग लगाई, उसका रिजल्ट टीम को देखने को मिला। शाकिबुल हसन का बल्ला पहले मैच में नहीं चला, लेकिन बतौर स्पिनर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी थी, स्पेशली सेकंड इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने विकेट पिक किए वो काबिले तारीफ था। शोरफुल इस्लाम इस टीम के पास है, शादाब इस्लाम इस टीम के पास है, जाकिर हसन है, नाहिद राणा है, इन सभी के पास एक बार फिर से मौका रहेगा इतिहास रचने का, क्योंकि बांग्लादेश अगर ये मैच जीत गया तो 23 सालों की हिस्ट्री में बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज जीत होगी और पाकिस्तान के खिलाफ ये पहली बार वो टेस्ट सीरीज जीतेंगे। पाकिस्तान के लिए करो या मरो की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि उनको हर हाल में मुकाबला जीतना है, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है ना तो भी बांग्लादेश सीरीज जीत जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला 10:30 बजे शुरू होगा, शुक्रवार 10:30 बजे यानी कि 30 अगस्त को टॉस इस मैच का 10 बजे होने वाला है। भारत में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको इस मैच की पल पल की अपडेट मिलने वाली है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।